नमस्कार, मैं हूं जैनिश मसी और आपका स्वागत है पब्लिक एशिया न्यूज में। एक बड़ी खबर की ओर बढ़ते हो, आपको बता दें उग्रवादियों ने मणिपुर के सीएम एन बीरेन सिंह के सुरक्षा काफिले पर कांगपोकपी जिले में घात लगाकर सोमवार 10 जून को हमला कर दिया। उग्रवादी कांगपोकपी जिले में घात लगाकर बैठे हुए थे। पुलिस ने बताया कि सुरक्षा बलों के वाहनों पर कई गोलियां चलाई गईं, जिसके बाद सुरक्षा बलों ने भी जवाबी कार्यवाही की। ये हमला जेड श्रेणी सुरक्षा के सुरक्षा कर्मियों पर किया गया था, जिसमें अभी तक एक जवान के घायल होने की खबर सामने आई है। काफिला हिंसा प्रभावित जिरीबाम जिले की ओर जा रहा था। उन्होंने बताया कि सुरक्षा बलों के वाहनों पर कई गोलियां चलाई गईं, जिन्होंने जवाबी कार्यवाही की। उन्होंने बताया कि NH-53 के एक हिस्से पर कोटलेन गांव के पास गोलीबारी हुई। पुलिस ने बताया कि हमले के दौरान कम से कम एक जवान गोली लगने से घायल हो गया है। एक अधिकारी ने न्यूज एजेंसी PTI को बताया कि सीएम बीरेन सिंह अभी दिल्ली से इम्फाल नहीं पहुंचे हैं। जिले में स्थिति का जायजा लेने के लिए जिरीबाम जाने की योजना बना रहे थे। आपको बता दें कि शनिवार को संदिग्ध उग्रवादियों ने जिरीबाम में 2 पुलिस चौकियों, 1 वन बीट कार्यालय और कम से कम 70 घरों को आग के हवाले कर दिया। इस उग्रवादी हमले में घायल हुए सुरक्षा बल को इम्फाल के लिए एक अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घायलों की संख्या में इजाफा हो सकता है। जानकारी के मुताबिक मणिपुर पुलिस की सुरक्षा टीम सीएम एन बीरेन सिंह के दौरे से पहले जिरीबाम गई थी। मणिपुर के जिरीबाम जिले में संदिग्ध उग्रवादियों द्वारा 2 पुलिस चौकियों और करीब 70 मकानों को आग लगाए जाने की घटना के बाद राज्य में रविवार को स्थिति तनावपूर्ण लेकिन नियंत्रण में रही। शनिवार को हुई घटना के बाद प्रभावित इलाकों में अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात किए गए। वहीं समाचार एजेंसी ANI के मुताबिक जिरीबाम जिले में हुई ताजा हिंसा के बाद सोमवार को करीब 600 लोग अब असम के कछार जिले में शरण ले रहे हैं। कछार जिले की पुलिस ने सीमावर्ती इलाकों में सुरक्षा बढ़ा दी है। मणिपुर पुलिस के मुताबिक जिरीबाम में एक शख्स की हत्या के बाद अज्ञात बदमाशों ने जिरीबाम जिले में मैतई और कुकी दोनों समुदायों के कई घरों को आग लगा दी। यानी पिछले साल लगातार हिंसा की आग में जलने वाला मणिपुर एक बार फिर इसकी चपेट में आ चुका है। सबसे अहम बात यह है कि अब जिरीबाम जिले में हिंसा शुरू हो गई है, जो कि अब तक इससे बचा हुआ था। शुक्रवार शनिवार की दरमियानी रात उग्रवादी 3-4 बोट लेकर यहां पहुंचे और उन्होंने कई घरों और पुलिस चौकियों में भी आग लगा दी थी। इसके बाद अब दोबारा पुलिस पर हमला हुआ है। मणिपुर के जिरीबाम जिले में कथित तौर पर उग्रवादियों ने एक व्यक्ति की हत्या की थी। इसी वजह से राज्य में दोबारा हिंसा भड़की है। मैतई समुदाय के 200 से ज्यादा लोगों को नए राहत शिविरों में भेजा गया है। संदिग्ध उग्रवादियों ने जिरीबाम जिले के बाहरी गांव लामताई खूनो, दुबंग खूनो, नूनखान और बेगरा में कई घरों को जला दिया था। इन गांव के लोग जिरी खेल परिसर में बनाए गए राहत शिविर में रह रहे थे। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहें पब्लिक एशिया न्यूज। धन्यवाद।